तुम ज्ञान तिमरान दश्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम इन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्टकी। ओम शांति 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 सुशांति भवतु। जय गोपाल। आई मेरे प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रोतागणों, श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्ति रस वर्षा, जो भी भाई इस वर्षा में स्नान करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में हमारा सत्संग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। 10वां अध्याय पूर्ण रूप से भगवान अपनी योग ऐश्वर्य के विषय में कह रहे हैं। ये सारा वैभव फैला पड़ा है संसार में और ब्रह्मांड में, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। कोई कहता है कि यह मेरा है अज्ञानतावश, नहीं, सकल भूमि गोपाल की, ये पृथ्वी गोपाल की है, हमारी एक की नहीं, ना अमेरिका की है ना भारत की है, ना रशिया की है ना चाइना की है, ये तो गोपाल की भूमि है, ये तो भगवान की भूमि है। जब पूरी पृथ्वी ही भगवान की है तो इस पृथ्वी में से हम कुछ पत्थर लेकर के और उनकी सीमेंट बना करके कोई मकान खड़ा कर लेते हैं, ये इस पृथ्वी माँ के कुछ पेड़ों को गिरा करके लकड़ियों से दरवाजे बना लेते हैं, तो क्या हमारा हो गया? नहीं, सब भगवान का है। हम भी भगवान के तो भगवान से जुड़े रहने में हमको फायदा है। किरणों को फायदा है सूर्य से जुड़े रहने में। कोई किरण कहे कि नहीं, मैं तो अलग रहना चाहती हूं, तो थोड़े समय में उसको नष्ट हो जाएगी, प्रकाश नष्ट हो जाएगा, उसका तेज नष्ट हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं किरण है कहीं पर। सूर्य से कनेक्टेड है इसलिए सब उसको जानते हैं कि आहा सूर्य की किरण है।
तो भगवान से जो जुड़ा रहता है उसको सारा जमाना यही कहता है, आहा धन्य है, धन्य है वो भक्त जो भगवान से जुड़े हैं, धन्य है वो मानव जो भगवान से जुड़ा है, भगवान को बुलाया नहीं है। इस अध्याय के नौवे अध्याय में, इस अध्याय के नौवे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक प्राणी मुझे रिझाता है, मेरे पास आता है, मेरे धाम को पा लेता है। ये रास्ता बतलाया अपने धाम को जाने का, परम धाम को जाने का, परम गति का। रियल गोल ऑफ दिस लाइफ वो लक्ष्य हमारे जीवन का क्या है, उस परम लक्ष्य को बतलाया। जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, बाकी लक्ष्य तो संसार के हैं, ये तो नष्ट होने वाले लक्ष्य हैं। कोई भी लक्ष्य आपका लंबे समय तक नहीं चलता, चाहे लक्ष्य आपका संतानें पैदा करने का हो, या मकान पैदा करने का हो, या देश के किसी विशेष पद पर जाने का हो, या अपने शरीर को लंबी आयु तक ले जाने का हो, ये सब लक्ष्य कुछ समय के होते हैं। देखिए हमारा जीवन 70 और 60 के बीच में अटक गया, अधिकतर लोग 70 साल से पहले जाने लग गए, कोई कोई 80 पर पहुंचता है, 100 पे पहुंचने वाला तो बिड़ला होता है। तो हमारे ये लक्ष्य कितने अधूरे से हैं, कितने क्षण क्षणिक हैं। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित महाराज को कि संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार में कोई स्थिरता नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी स्थिरता नहीं है, उसमें चेंजिंग आती है और एक दिन मृत्यु उसको निगल जाती है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे पृथ्वी हो या आकाश और सूर्य हो, या ब्रह्मांड हो या अनंत ब्रह्मांड हो, ये सब जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने तो गीता में ही कहा है दूसरे अध्याय में कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। तो ये लक्ष्य मृत्यु के मुंह में चला जाता है हमारा, लेकिन परम लक्ष्य क्या है, सनातन की प्राप्ति, इटर्निटी की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान के परम धाम की प्राप्ति, स्वयं भगवान की प्राप्ति। यह हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, आत्मा का परम लक्ष्य है। शरीर का लक्ष्य हो सकता है कि अन्न बटोरना, धन बटोरना, निर्वाह के लिए मकान बनाना, ये भी लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य तो ऐसे ही है जैसे सूर्य के आगे कोई पतंगे जंप मार रहे हो, जुगनू, जुगनू नहीं छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं तो उनकी पंखों के नीचे से प्रकाश निकलता है, थोड़ा सा प्रकाश रात में देख सकते हैं हम लोग, जुगनू कहां सूर्य और कहां जुगनू, ठीक वैसे ही जुगनू के रूप से ये संसार के लक्ष्य हैं, थोड़े चमकते फिर बुझ जाते, बचपन से बुढ़ापा तुरंत आ जाता है, देखते देखते जवान हुए और बच्चे हुए और बुढ़ापे के दौर चले गए, और बुढ़ापे के बाद तो लटक गई गर्दन और मर गए, मृत्यु आ गई, जुगनू की तरह थोड़ा चमके फिर बुझ गए। तो शरीरों को संवारने के लक्ष्य
तो जुगनू है, या मकानों को संवारने के लक्ष्य, या पद प्रतिष्ठा को संवारने के लक्ष्य। ये तो आपका शरीर छूटता है तब आपके सर नाम निशान मिट जाता है। कितनी भी स्वर्ण पत्रिकाओं पर लिखकर नाम रखे वो एक दिन मिट्टी हो जाता है। करोड़ों पृथ्वी के ऊपर सम्राट आए, उनके नाम मिट गए, जानते हैं कोई उनके नाम? और कुछ के नाम जो स्वर्ण पत्रिकाओं में लिखे गए, लिखे हुए हैं, या चट्टानों पे खोदे गए हैं, वो भी मिट जाते हैं हवा के झोंकों से, समय के प्रभाव से। तो ये लक्ष्य जुगनू लक्ष्य, परम लक्ष्य तो सूर्य है। परम लक्ष्य भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति। बार बार जन्म मरण जरा व्याधि, इनके हम शिकार होते चले आ रहे हैं। हर जन्म में शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, पद पैदा किए हैं, प्रतिष्ठा पैदा की है, फिर वो स्वाहा हो गई, खत्म हो गई, फिर नया जन्म लिया, फिर वही चक्कर चल गया, वही खिलौने सामने आए, खिलौने के लिए रोए, खिलौनों के लिए रोए, फिर साइकिल स्कूटर के लिए रोए रोए, फिर कार के लिए रोए, फिर सुंदर औरत के लिए रोए, फिर पद प्रतिष्ठा के लिए रोए, फिर संतानों के लिए रोए, फिर बुढ़ापा आ गया फिर रोए, फिर मृत्यु आ गई तो एक लंबी सी हिचकी आई, लंबी सिस्कारी उठी हृदय से, वो खत्म हो गए। ये हमारा जीवन है, ये जीवन का लक्ष्य जुगनू की तरह है, सूर्य की तरह नहीं। हमारे जीवन का, हम आत्मा है शरीर नहीं, और आत्मा का परम लक्ष्य है उस परमात्मा की प्राप्ति, उस निर्मल की प्राप्ति, उन अभय चरणों का पान हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस परमानंद की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्षणिक सुखों के लिए भटकना, वो सुख भी दुख का कारण बनते हैं। संसार के जितने भी भोग हैं ये सब रोग हैं, ये भोगों के कारण हम बार बार मरते हैं, शरीर गिर जाता है, सड़ जाता है, मुंह में से बदबू आने लगती है। ये भोगों के पीछे पड़े हैं और रोगों को निमंत्रित देते हैं, मृत्यु को निमंत्रित देते, आमंत्रण देते हैं भोगों के कारण। ये रसगुल्ले खाने के लिए डायबिटीज को हम निमंत्रित करते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, रसगुल्ले भोग हैं, और ये भोग रोग बनते हैं। ये संसार के जितने भी भोग हैं ये रसगुल्ले हैं, जितने खाओ जूस के साथ खाए जाओ सब रोग बनेंगे, सब डायबिटिक्स बनेंगे, जीवन को जहर कर डालेंगे। नहीं, इस लक्ष्य से थोड़ा हटकर देखो, निर्वाह के लिए तो सभी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सम्राट बनने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन धन्य वो सम्राट जिन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम करके और विश्व को शासित किया, विश्व का शासन किया। श्रीमद् भागवत में ये सारे विशेष सम्राटों का, जो शुद्ध भगवान के भक्त भी रहे और सम्राट भी रहे, उनका वर्णन मिला है। अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, अशोक महान जैसे, विशेष राजा हुए हैं। सत्व्रत महाराज, हरिश्चंद्र महाराज, मानधाता, ये सब भगवान के अनन्य भक्त रहे हैं।
इनको इन्होंने भगवान को रिझाने के लिए शुद्धता से सारे जीवन जिए हैं और ये भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के धाम को। कोई भी शास्त्र और भगवान की वाणी आपको भिखारी होने के लिए नहीं बोलता। भिखारी तो वो है जिसके हृदय में भगवान नहीं है, फिर चाहे वो सम्राट हो या कोई भिखारी हो। दुनिया के दृष्टि में एक बड़ा धनाढ्य सेठ है, लेकिन शास्त्रों की और भक्तों की और भगवान की दृष्टि में तो वो कंगाल है, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का प्रेम उसके हृदय में नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम है वो सम्राट है, वो भी भगवत प्रेम। भगवत प्रेम जिसके हृदय में है वो विश्व को प्रेम कर सकता है। फिर वो चाहे जीसस हो, गुरु नानक देव हो, या बुद्ध हो, या महावीर हो, या चैतन्य महाप्रभु हो, ये धनाढ्य सम्राट हैं, इनके हृदय में हरि का प्रेम है। जहां हरि का प्रेम नहीं वो कंगाल है, चाहे दुनिया की दृष्टि में वो बड़ा सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है, तो क्या वो कंगाल है, वो भिखारी है। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का पता बतला रहे हैं और पता बतला के रास्ता भी बतला रहे हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा। प्राण क्या है? हमारे शरीर में प्राण शक्ति है, इसीलिए तो हम सारे कार्य करते हैं। प्राण शक्ति है जो हम सारे कार्य करते हैं, जिसके बल से योगियों ने उसको कुंडलिनी कहा है, अंग्रेजी में जिसको लाइफ फोर्स कहते हैं। एक ही शक्ति है शरीर के अंदर, हमारे अंदर। शक्ति तो परमात्मा की है, लेकिन सबके पास अलग अलग रूप से, कोई इसको किस रूप से प्रयोग करता है, कोई किस रूप से प्रयोग करता है। एक ही शक्ति को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। वही प्राण शक्ति को कोई डाका डालने में प्रयोग करता है, कोई चोरी करने में, कोई धर्म करने में, पुण्य करने में, तो कोई पाप करने में, कोई क्रोध में परिणित करता है उस शक्ति को, कोई प्यार में परिणित करता है। शक्ति एक ही है। कोई भगवान की सेवा में परिणित करता है अपने कर्मों को, भगवान के लिए कर्म करता है, और कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग कर्म करता है, जग भोगों के लिए कर्म करता है। शक्ति एक ही है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में पड़े तो कपूर बन जाती है, नाग के मुख में पड़े तो जहर बन जाती है, और समुद्र की सीपी के अंदर पड़े तो मोती बन जाती है। बूंद एक ही है, स्वाति नक्षत्र की बूंद है, पानी की बूंद। स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी हो वैसो ही फल दीन। ऐसे ही ये हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, या मन के अंदर जो शक्ति है, या आत्मा के अंदर जो शक्ति है, वो एक ही है। आत्मशक्ति अलग अलग कैसे हो सकती है? लेकिन अब आप इसका उपयोग कैसे करें, उस हिसाब से परिणित हो जाती है, बदल जाती है। तो मूर्ख लोग इसको क्रोध में प्रयोग करते हैं तो क्रोध बन जाती है, ज्वाला बन जाती है, एक दूसरे को मार डालता है आदमी, गांव में आग लगा देता है, या ब्लास्टिंग करके बिल्डिंगों को गिरा देता है।
यही प्रेम में परिणित होती है जो जीसस के हृदय में होती है, बुद्ध के हृदय में होती है, विश्व को प्रेम करता है, भक्त के हृदय में होती है, समाज को प्रेम करता है, संसार को प्रेम करता है। शक्ति एक है, इसको लाइफ फोर्स कहो या कुंडलिनी कहो या प्राण शक्ति कहो, भगवान या प्राण शक्ति कह के कह रहे हैं, मदगत प्राणा, तुम्हारी जो प्राण शक्ति है वो मेरे कार्य में, मेरी सेवा में रहनी चाहिए। तुम जितने भी कर्म करते हो ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए, तब भगवान का प्रेम आपके हृदय में भरता है, भक्ति भरती है, भक्ति निखरती है और भगवान के धाम को प्राणी प्राप्त कर लेता है। ये जीव वापिस अपने ओरिजिनल घर को चला जाता है, मूल घर को चला जाता है। मूल घर भगवान का धाम है जहां से ये आया है इस संसार में, अपनी अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने, ऊंचे लोगों से नीचे तक गिर रहा है, स्वर्ग से नरक तक जा रहा है, वैकुंठ से नरक की गति मिली है। मदगत प्राणा, हे अर्जुन मत चित्ता, तेरे चित्त में एकमात्र मैं बसा रहूं, सदैव तेरा चित्त ही भगवत चित्त होना चाहिए, तेरा चित्त में कृष्णा कॉन्शियस नेस होनी चाहिए, तेरे मन में भगवत भावना होनी चाहिए, दुष्ट भावना नहीं, डाकू भावना नहीं, चोर भावना नहीं, मलिन भावना नहीं, पापी भावना नहीं, द्रोही भावना नहीं, प्रेम भावना होनी चाहिए, भगवत भावना होनी चाहिए, मेरी भावना होनी चाहिए। मत चित्ता, तेरा चित्त भगवत स्वरूप होना चाहिए, पवित्र कॉन्शियस होना चाहिए, पवित्र कॉन्शियस चित्त में मेरा वास होता है, फिर तू मुझे भुला नहीं सकता। निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा, श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं। निर्मल मन, जिनके मन निर्मल है वो मेरे हृदय में वास करते हैं। मत चित्ता, तो निर्मल स्थान में स्वयं भगवान आके बैठते हैं, निर्मल चित्त में भगवान का प्रवेश समावेश है, प्रवेश है। मत चित्ता, तो हमारे मन में भगवान रहने चाहिए, मनमना भाव। मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामी वैश्य संशय। मत चित्तो, मत चित्ता मदगत प्राणा, तेरे प्राणों से, तेरी प्राण शक्ति से जो भी तू कुछ करता है, यद करोसी यदश्नासी यज्जोसी ददासी यत, यत तपस्यसी कौन्ते तद कुरुस्व मदर्पणम्। तो जो तू कुछ करता है, दान देता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, खाता है, पीता है, तप करता है, यद करोसी जो भी कुछ करता है, यह जोशी जो कुछ आहुतियां देता है, दान करता है, तप करता है, पुण्य करता है, धर्म करता है, कर्म करता है, खेती करता है, दुकान करता है, राज चलाता है, नौकरी करता है, ये मेरे लिए कर, इसका फल मुझे अर्पण कर। तद कुरुस्व मद अर्पण, ये मदगत प्राणा है। आपके प्राणों से, आपकी शक्ति से, जब तक ये शरीर में शक्ति है, जो भी आप कुछ करते हैं वो परमेश्वर के लिए कीजिए, वो कृष्ण के लिए कीजिए, उस गोविंद के लिए कीजिए, उसको प्रसन्न करने के लिए कीजिए,
उसको रिझाने के लिए कीजिए। क्यों लोग फूलों के हार ले जाते हैं मंदिरों में कि भगवान प्रसन्न होंगे? क्यों मीराबाई तुलसी का बाग लगाती है और गोविंद गोविंद गाती है गोविंद को रिझाने के लिए? क्यों एक शुद्ध भक्त राज सिंहासन पर बैठ के शुद्धता से राज चलाता है, अपने जनता को पिता की तरह पालता है? भगवान को रिझाने के लिए। सत्यता के पथ पर चलने वाले लोगों से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान को तत्व से जान ले व्यक्ति तो आसान हो जाता है उस भगवान तक पहुंचने का मार्ग। तो अर्जुन, तेरे चित्त में मैं होना चाहिए, मुझे बसा ले, जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान को बसा रखा था। गोपियां सारा काम करती थी, खेतों का काम करती थी, गायों को घास खोद के लाती थी, दूध जमा रखती, दही बिलोती थी, मक्खन निकालती थी, झाड़ू, बर्तन, चौका, भोजन बनाना, रसोई बनाना, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा, सभी कर्म करती थी, लेकिन कृष्ण को एक पल को नहीं भूल पाती थी। ठीक वैसे ही हे अर्जुन, मच्चित्ता, तेरा चित्त भगवत स्वरूपा होना चाहिए, तेरे चित्त में मेरा वास होना चाहिए, संसार के भोगों का नहीं, छल छिद्र नहीं, बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, कपट नहीं, सत्य का समावेश रहना चाहिए। सत्य तेरे चित्त में पले, सत्य में मैं बैठा हूं, मेरा वास है। की तुसी अपने बच्चे दे भविष्य बारे चिंतित हो या जानना चाहते हो केड़ी फील्ड च है ओदा भविष्य रोशन? ओ बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, मॉडल या कुछ होर? डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस द्वारा तुसी पता लगा सकते हो केड़ी फील्ड च है तुहाडा बच्चा माहिर। आवर साइंटिफिक मेथड्स विल हेल्प यू टू मिनिमाइज टाइम एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट, पर्सनलाइज एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मेक्स एकेडमिक एंड करियर चॉइसेस इजीयर। एदे बारे होर जानकारी ले सोनी सोलोमन नु हुने ही कॉल करो 9179155744। लूज करो 10 मिनटां विच। ते मैं अपना 12 पाउंड वेट लूज कीता है। भार घटाउण लई, स्ट्रेस दूर करन लई ते अपनी एनर्जी नू वधाउण लई, हेल्थ प्रॉब्लम्स तों छुटकारा पाउण लई, हर उम्र लई वधिया। ते मैं अपने आप नू ज्यादा फ्रेश ते एनर्जेटिक महसूस करदी हां। सारे कनाडा विच ते अमेरिका विच अवेलेबल है। स्पेशल डिस्काउंट लई हुणे कॉल करो 1-866-979-2348 ते फॉरएवर फिट रहो। आई कैन ओनली से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स अराउंड। फॉरएवर फिट। यमराज, मैं मरना नहीं चाहता। तेरा क्रेडिट तो खराब हो चुका है, तू घर खरीद नहीं सकता, नई गाड़ी ले नहीं सकता, तुझे साइकिल का फटा हुआ टायर भी नहीं मिलेगा, तू इस धरती पर रह के क्या करेगा? चल मेरे साथ। मगर मैंने पहले ही ज़ाइनो क्रेडिट रिपेयर को कॉल करके अपना क्रेडिट ठीक करवाया था। और अगर तुम्हें अपना क्रेडिट ठीक करवाना है तो आज ही कॉल करो ज़ाइनो क्रेडिट रिपेयर। कॉल 1-800-400-ZINO और लॉग ऑन टू zinocreditrepair.com। अपना फ्यूचर रिपेयर करो। अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, नवे साल भी होवे बधाई, ताजियां हरियां सब्जियां, मन पौंदे फ्रेश फल, इंडियन बेस्ट इंडियन पाकिस्तानी अते बंगाली ग्रोसरी खरीदन दे लई 7 दिन 24 घंटे आप दी सेवा करता है अटलांटिक फार्म कैश एंड कैरी, 114-15 अटलांटिक एवेन्यू, रिचमंड हिल, न्यूयॉर्क। बधेरे जानकारी लई कॉल करो